जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के निर्देश पर पूर्व विधानसभा प्रभारी अर्जुन राठौर के द्वारा शक्ति विधानसभा में नए सदस्यों को जनता कांग्रेस की सदस्यता साथ ही पार्टी की नीति के बारे में बताया गया। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का गठन किया गया था, जिसे पूरे प्रदेश में विस्तार किया गया। 2018 चुनाव के बाद जनता कांग्रेस से बहुत सारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी पार्टी से अलग हो गए। अब पुनः नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में नए लोगों की सदस्यता दिलाई जा रही है, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रमुख रूप से ठंडा राम सिदार, जितेश यादव, केशव यादव सहित अन्य लोगों को प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान युवा जनता कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष तुलेश त्रिवेदी ने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस की सरकार से पूरी तरह परेशान है, साथ ही भाजपा को पिछले 15 वर्ष तक देख चुकी है। अब छत्तीसगढ़ के जनता के पास नया विकल्प जनता कांग्रेस के रूप में है। पार्टी को मजबूत करने के लिए हम पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अर्जुन राठौर, तुलेश त्रिवेदी, संतोष पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। DNX TV के लिए शक्ति से लक्ष्मीकांत बरेट की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के माननीय अमित जोगी जी के निर्देशों पे शक्ति विधानसभा पूर्व प्रभारी अर्जुन राठौर के मार्गदर्शन पे आज शक्ति विधानसभा में हमारे पार्टी में नए लोगों की ज्वाइनिंग कराया गया, जिसमें ठंडा राम सिदार जी, केशव यादव, जितेश यादव सहित अन्य कई लोगों का आज ज्वाइनिंग कराया गया। और इसी तरह हम शक्ति विधानसभा में लगातार जनता कांग्रेस को अग्रसर करते हुए आगे बढ़ाएंगे। और क्या योजनाएं रहेगी, क्योंकि खासकर ये सारी चीज़ें चुनावी के समय में आती है, लेकिन चुनाव में और अभी क्या होगी जो जनताओं के लिए? अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है, उस सरकार की रवैयों को देखते हुए आज छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है और छत्तीसगढ़ की जनता को एक नया विकल्प चाहिए जो जोगी कांग्रेस के रूप में भविष्य में स्थापित होगी। भाजपा को देख करके और कांग्रेस को देख चुके हैं छत्तीसगढ़ की जनता, अब एक नया विकल्प जनता कांग्रेस के रूप में उनके सामने है।